हेलो फ्रेंड्स, वेलकम आई यूट्यूब चैनल में। आपका स्वागत है। फिर से हम एक न्यू वीडियो के साथ आ चुके हैं, अपडेट वीडियो के साथ आ चुके हैं। आज की जो हमारी वीडियो होने वाली है बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही शानदार अपडेट के बारे में आपको यहाँ पर जो जानकारी है वो देने वाला हूँ। यानी कि आज की जो हमारी वीडियो होगी ICMR की तरफ से आपको यहाँ पर जो स्टाफ्स की वैकेंसी है वो देखने को मिल जाएगी, जिसके अंदर आपको यहाँ पर जूनियर स्टाफनर्स की वैकेंसी देखने को मिलेगी और सीनियर स्टाफनर्स की वैकेंसी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। यानी कि दो प्रकार की आपको यहाँ पर जो पोस्ट है स्टाफनर्स की वो आपको देखने को मिल जाएंगी। जिस एप्लीकेशन फॉर्म की जो लास्ट डेट रहने वाली है वो रहने वाली है 20 सितंबर। यानी कि 20 सितंबर तक आप क्या कर सकते हैं, इस वैकेंसी को अप्लाई कर सकते हैं। इसी के साथ साथ मैं बता दूं, इसके अंदर आपको कोई भी एग्जाम आपको नहीं देना है, यानी कि आपको कोई भी कंपटीशन फाइट नहीं करना है। एक छोटा सा आपका क्या होगा, एंट्री होगा, और इंटरव्यू के बाद में आपका डायरेक्टली यहाँ पर क्या होने वाला है, सिलेक्शन होने वाला है। तो वीडियो के लास्ट तक आप जरूर बने रहें। इस वीडियो के बारे में, इस वैकेंसीज के बारे में मैं इस वीडियो के अंदर कंप्लीटली डिस्कस करने वाला हूं, ठीक है। अपने फ्रेंड सर्कल के अंदर इस वीडियो को रेगुलरली शेयर करते रहें, जिससे ऐसे ही अपडेट वीडियो हम आपके पास टाइम से रेगुलर लाते रहें। तो सबसे पहले देख लीजिए वैकेंसी आपको कहाँ से देखने को मिल रही है। तो यह वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी टोकोरिबा इंस्टीट्यूट ऑफ द हेल्थ एंड मेडिकल साइंस की तरफ से आपको यह वैकेंसी है ये देखने को मिल जाएगी, ठीक है। सबसे पहले हम यहाँ पर पोस्ट के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पर देख लीजिए आपको जूनियर नर्स की पोस्ट है, जिसमें नंबर ऑफ द पोस्ट आपको 7 यहाँ पर दी गई है। क्वालिफिकेशन की अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो हाई स्कूल एंड इक्विवेलेंट विद द साइंस सब्जेक्ट प्लस सर्टिफिकेट कोर्स इन द ANM विद द 5 ईयर एक्सपीरियंस। यानी कि आपके पास क्या होना चाहिए, ANM का कोर्स अवेलेबल होना चाहिए। यानी कि जो कैंडिडेट ANM कर रखे हैं वो कैंडिडेट जूनियर नर्स की जो पोस्ट है उसको अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि ANM वाले कैंडिडेट भी इस वैकेंसी को अप्लाई कर पाएंगे, जिसकी जो एज लिमिट रहने वाली है वो रहने वाली है 28 ईयर। यानी कि 28 ईयर जिसकी एज लिमिट है, 28 ईयर तक के जो कैंडिडेट हैं वो इस वैकेंसी को अप्लाई कर सकते हैं। ANM की जो सैलरी रहने वाली है वो रहने वाली है ICMR के अनुसार 18,000 रुपये पर मंथ के हिसाब से आपको यहाँ पर जो सैलरी है वो देखने को मिल जाएगी। उसके बाद में हम बात करते हैं नेक्स्ट स्टाफनर्स की पोस्ट के बारे में, हम यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। तो स्टाफनर्स की पोस्ट है जिसके अंदर जो GNM कैंडिडेट है, GNM कैंडिडेट इस वैकेंसी को अप्लाई कर सकते हैं। ANM कैंडिडेट है, ANM कैंडिडेट भी इस वैकेंसी को क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। इसकी जो एज लिमिट रहने वाली है वो रहने वाली है 30 ईयर। यानी कि 30 ईयर तक के जो कैंडिडेट है वो इस वैकेंसी को अप्लाई कर सकते हैं। इसकी जो सैलरी आपको देखने को मिल जाएगी वो मिलेगी 31,500 रुपये आपको यहाँ पर जो सैलरी है वो देखने को मिल जाएगी, ठीक है। उसके बाद में हम यहाँ पर जो बात करने वाले हैं इस वैकेंसी के लास्ट डेट के बारे में कि कब तक आप इस एप्लीकेशन फॉर्म को आप अप्लाई कर पाएंगे, तो मैं आपको बता दूँ वैकेंसी आप एप्लीकेशन फॉर्म को आप अप्लाई कर पाएंगे 20 सितंबर तक। यानी कि 20 सितंबर 5 बजे तक आप इस वैकेंसी को अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद में आप इस वैकेंसी को अप्लाई नहीं कर पाएंगे, तो जो भी इंटरेस्टिंग कैंडिडेट है वो इस वैकेंसी को क्या करें, ज़रूर अप्लाई करें, ठीक है। तो सबसे पहले देख लीजिए इसके अंदर एक चीज़ और आपको यहाँ पर दी गई है कि इसके अंदर जो ज्वाइनिंग के बारे में कुछ डिस्कस किया गया है, ठीक है। ओनली द शॉर्ट लिस्ट कैंडिडेट विल बी कॉल्ड फॉर द इंटरव्यू। यानी कि इंटरव्यू के लिए किनको बुलाया जाएगा, ओनली शॉर्ट लिस्ट कैंडिडेट, यानी कि जो लिस्ट में नाम आएगा उन्हीं कैंडिडेटों को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। और इसके अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ दी गई है, इमीडिएट ज्वाइनिंग इज रिक्वेस्टेड फ्रॉम द सेलेक्टेड कैंडिडेट। यानी कि जो भी सिलेक्टेड कैंडिडेट हैं उन कैंडिडेटों को इमीडिएटली यहाँ पर क्या की जाए, ज्वाइनिंग दी जाए। यानी कि कोई भी देर नहीं की जाए, डायरेक्टली आपको यहाँ पर जो ज्वाइनिंग है वो देखने को मिल जाएगी। तो आपको जो ये वैकेंसी है कहाँ से अप्लाई करना है ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, तो यही आपके लिए ज़रूरी है। तो मैं आपको बता दूँ इस वैकेंसी को आप कहाँ से अप्लाई कर पाएंगे, तो ICMR की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ से इस वैकेंसी को अप्लाई करें, या फिर यहाँ पर देख लीजिए ये लिंक आपको यहाँ पर प्रोवाइड किया गया है। इस लिंक से आप डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, अपना एप्लीकेशन फॉर्म है अपने एप्लीकेशन फॉर्म को यहाँ पर सबमिट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये लिंक आप यहाँ पर देख लीजिए, इस लिंक को मैं आपको कमेंट बॉक्स के अंदर भी आपको पिन कर दूंगा, ठीक है। तो वहाँ से जाके आप क्या कर सकते हैं, इस वैकेंसी को अप्लाई कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।